तो आज हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स कोट्स फार्मूला। बेसिकली ये जो फार्मूला है वो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। किसी किसी कर्व की हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी होती है तो हम ये यूज करते हैं। अब देखें, हम जो लीनियर इंटीग्रेशन है या किसी लाइन की इंटीग्रल जो है, लाइन इंटीग्रल वो इजी होता है, जबकि कर्व का जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पैचेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसके सब इंटरवल बना के फिर हम उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। अब देखें, सपोज करें ये आपके पास एक कर्व है, ये ठीक है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको नाम मैं बी दे देता हूँ, इस बी तक आपको इसके बीच में जो एरिया है इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, ये कर्व जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मीन्स ये कर्व है, तो हम क्या करेंगे इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में इसको हम बांटेंगे, बांट देंगे, तो ये हमारे पास सब इंटरवल बन गए। तो इस तरीके से डिफरेंट हम एन पैचेस में इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये है लोअर लिमिट ए है और अपर ए, तो इस लोअर को मैं एक्स नॉट दे देता हूँ और ये हमारे पास X1, X2, X3, इस तरीके के ये इंटरवल, लास्ट हमारे पास XN है, ठीक है। तो हमारे पास ये सपोज करें कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिला हुआ है, ये बेसिकली कर्व को डिफाइन करा है। तो इसके मेथड्स है, कुछ मेथड्स है जो इसको हम न्यूटन कोट्स फार्मूला को मद्देनजर रखते हम वो करेंगे। तो हमारे एक एक मेथड है न्यूटन, सॉरी, ट्रेपीजोइडल रूल। अब ट्रेपीजोइडल रूल क्या है, कि ट्रेपेजॉइडल रूल है कि इसमें जो देखें, इसमें हमारे पास एच मिला हुआ है, एन मिला हुआ है, ए मिला, तो हम एच की जो वैल्यू निकालेंगे वो बी माइनस ए अपॉन एन, जो हमारे पास अपर लिमिट होगी उसमें लोअर लिमिट का माइनस कर देंगे, और एन जो है वो कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स आप ले रहे हैं, और एच जो है वो मीन्स डिफरेंस है, दो इंटरवल जो है हमारे पास दो एक्स की वैल्यूज होंगी उसके बीच में जो डिफरेंस है, सपोज एक जीरो है तो जीरो प्लस एच दूसरा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इंटरवल्स मिलेंगे। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या है कि आप सब इंटरवल है ना वो सिर्फ एक ही लेंगे, और आगे सिम्पसन वन थर्ड जो है उसमें से आपको ये इसकी जो वैल्यू होगी वो दो लेने पड़ेंगे सब इंटरवल। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स नॉट एक्स वन इसका इंटरवल ले लेता हूँ। तो अब क्या करता हूँ, मैं एन की वैल्यू वन लिख देता हूँ, तो एन की वैल्यू मैंने वन लिख दी, तो पुट द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल वन इन अबव इक्वेशन, जो न्यूटन कोर फार्मूला है, न्यूटन कोट्स फार्मूला, ठीक है। अब देखें इसमें क्या है, अपर जो है वो एक्स नॉट है और एक्स वन है, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हो गई। अब वाई की वैल्यू मैं रखूंगा, निकालूंगा, तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी, वाई नॉट एंड वाई वन, ठीक है। अब इसमें इसमें मैं अगर डेल्टा वाई निकाल दूं इसका डिफरेंस, तो क्या बनेगा, वाई वन माइनस वाई नॉट बनेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एन की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास, हमने सिर्फ एक ही इंटरवल लिया है, तो हमारे पास जो ये हायर जो टर्म्स होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, डी स्क्वायर जो डेल्टा स्क्वायर वाई पड़ा है तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये डेल्टा वाई नॉट बचेगा। तो हम क्या करेंगे इस फार्मूला में, अब देखें मैंने ए टू बी फार्मूला, हमने क्या लिया है, एक्स नॉट टू एक्स वन, मीन्स एक ही इंटरवल लिया है, तो इसका जो लोअर लिमिट होगी एक्स नॉट होगी, अपर होगी एक्स वन, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, सेम रखेंगे, डी एक्स सेम रखेंगे, ठीक है। एच, अब इसमें जब मैं एन की वैल्यू वन पुट करूंगा तो आपको पता है वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई नॉट बनेगा, प्लस हाफ एन स्क्वायर, वन का स्क्वायर करेंगे वन ही बचेगा, मल्टीप्लाई किया डेल्टा नॉट वाई नॉट। अब डेल्टा वाई नॉट किसके बराबर है, डेल्टा वाई नॉट किसके बराबर है, वाई वन माइनस वाई नॉट, तो हम मैं क्या करूंगा, वाई वन माइनस वाई नॉट पुट कर दूंगा, ठीक है। अब देखें इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा, वाई नॉट प्लस वाई वन अपॉन टू, ठीक है। अब इसकी मैं एलसीएम कर देता हूं, अब एलसीएम करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे टू वाई नॉट और यहाँ पे बनेगा वाई वन माइनस वाई नॉट अपॉन टू, ठीक है। उसके बाद एच
टू वाई नॉट में से एक वाई नॉट निकल गया, बाकी क्या बचेगा, वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट प्लस वाई वन अपान अपान में क्या बचेगा, हमारे पास टू आ गया। तो मैं टू यहाँ पे लिखूं या एच अपान टू वाई नॉट प्लस वाई वन। अब ये मैंने इंटरवल लिया है एक इंटरवल, अब दूसरा इंटरवल लेता हूँ तो उस इंटरवल की जो अगर हम निकालें तो क्या बनेगी लिमिट, क्या एक्स वन टू एक्स टू, तो हमारे पास एक्स वन टू एक्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम मेथड है। क्या करेंगे हम इसमें, अगर देखें y नॉट प्लस y1 है तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा y1 प्लस y2 अपान में 2 लेगा। फिर तीसरा इंटरवल लेते हैं x2 टू x3, ठीक है, x2 x3 f ऑफ x dx, तो ये बनेगा हमारे पास h ऑफ 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा y2 प्लस y3। अब देखें, अब इस तरीके से आप लेते जाएंगे तो एक ही आपको इस तरीके से, अब फिर आगे इंटरवल लेंगे x3 टू x4, अब लास्ट वाला लेता हूं, लास्ट वाला क्या होगा xn माइनस 1, इसके जो प्रीसीडिंग होगा वो क्या होगा xn माइनस 1, मींस लोअर लिमिट होगी xn माइनस 1 और अपर क्या होगी xn f ऑफ x dx होगा, और यहां पे क्या है h ऑफ 2, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा yn माइनस 1 प्लस y1, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐड करता हूं, ऐड ऑल सब इंटरवल्स, ठीक है, जो इंटरवल्स की इंटीग्रेशन निकाली है वो ऐड करता हूं, तो ऐड करूंगा तो लिमिट क्या है, लोअर लिमिट x नॉट है, अपर क्या है xn है f ऑफ x dx होगा। अब देखें आप इसमें, इसमें देखें y नॉट एक ही बार आया है लेकिन y1 दो बार, y2 दो बार, इस तरीके से सारे दो बार आएंगे, सिर्फ हमारे पास y नॉट प्लस y1, यहां पे हमारे पास h अपॉन 2 है, ठीक है, और ये जो हमारे पास होगा y नॉट एंड y n सिर्फ दो एक ही एक बार आएंगे, बाकी सारे जो होंगे वो y1 प्लस y2 प्लस y3 ये दो बार आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको दो कॉमन निकाल के सारों को ऐड कर देता हूं। अब देखें इसका मैं फार्मूला निकालू h अपॉन 2, यहाँ पे अगर 2 इससे सारों से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा y नॉट प्लस y n अपॉन 2, और इसमें से 2 डिवाइड करूंगा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे y1 प्लस y2 प्लस अप टू, ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या मिला, आपको फार्मूला मिल गया, किसका फार्मूला मिल गया, ये ट्रेपेजॉइडल रूल है, ट्रेपेजॉइडल जो हमारे पास रूल है वो ये है। तो इसमें सिर्फ हम एक एक इंटरवल लेंगे किसी, तो इस तरीके से एन इंटरवल लेंगे तो हमें पूरी इस कर्व की जो एरिया होगी वो हमें मालूम हो जाएगी।